सो गाइज आप लोगों का यहाँ पे किरण बुक हम लोग चला रहे हैं। सुबह मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड की थी एंटोनियम से। अब रात 9:30 बजे आपके लिए एक और वीडियो जो है आपकी पैरामाउंट से, या कह सकते हैं कि कैडी कैंपस से, किसको कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों बुक का मटेरियल सेम ही है लगभग। सिंटैक्स नाम का चैप्टर चल रहा है आपका, और आपकी इच्छा थी कि सर आप अपने अंदाज में पढ़ाएं बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए, तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं रूल नंबर 12 पर, और रूल नंबर 12 में आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है, कह रहा है ईच एवरी एवरीवन समवन समबडी नोबडी नन वन एनीवन मैनी मैनी अ मोर देन वन अर्थ से सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन व सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब जरा सुनिए बच्चों ध्यान से, मैं बता दूं बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईच एवरी आइदर नाइदर नन नाइदर नन एनी वन नोबडी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ईच एवरी आइदर नाइदर नन एनी वन एनी बडी नो बडी समबडी नो एवरी वन नो वन सम वन एनी वन, यानी कि बड़ी वाले सारे और वन वाले सारे जितने भी हैं इनके साथ में हमेशा हम लोग सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इनके साथ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनके साथ में आपका ऑफ भी लगा हो, जैसा कि ये अगले रूम में जाकर बताएगा, उसके साथ में हम लोग प्लुरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वर्ब हमारी तब भी सिंगुलर ही रहने वाली है। जरा समझे कैसे, मैंने कहा ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, प्रत्येक लड़की क्लास में मौजूद थी। ईच स्टूडेंट हैज डन द वर्क। तो कह यहाँ पे ईच के साथ में मैंने सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया, स्टूडेंट और हैज। जैसे कि बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है ईच बॉय ईच बॉय एंड ईच गर्ल, कुछ बच्चे यहाँ एंड को देख करके थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि एंड से दो नाउन जुड़े हैं तो सिंगुलर नहीं प्लुरल बनना चाहिए। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में जब भी आपका ईच एवरी आइदर नाइदर नन एनी वन एनी बडी नो बडी समबडी एवरी वन नो वन सम वन एनी वन कुछ भी आ जाए, फिर चाहे दो क्यों 200 ही नाउन क्यों ना हो एक साथ, आपको सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, आपको सिंगुलर वर्ब के साथ काम चलाना होगा। हैज कम यस गाइस, जैसे कि एक सेंटेंस और उसने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, समवन हैज स्टोलन माई पर्स। ये तो बात रही बच्चों तब की जब इनके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आने हो। अगर इनके बाद आपका ऑफ हो तो भैया प्लुरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों मैं बता चुका हूँ कई बार कि सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, तो गाइस यहाँ पे ईच के बाद में ऑफ द गर्ल्स लगाया, जबकि हम इसको कुछ नहीं मानेंगे। ईच के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आएगी हैज डन द वर्क, हैज डन द वर्क। तो गाइस ये सेंटेंस हुआ कुछ इस तरह से, भले ही प्लुरल नाउन आएगा लेकिन आने वाली वर्ब आपकी हमेशा सिंगुलर ही रहने वाली है। आपने कहा आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज, तो गाइस यहाँ पे इसे कट कर देंगे, सेंटेंस में आइदर के हिसाब से सिंगुलर ही वर्ब आएगी इज प्रेजेंट इन द क्लास। सो गाइस यहाँ पे आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने आपसे कहा क्या बच्चों ईच एवरी एवरी वन सम वन सम बडी नो बडी एनी बडी, इन सबके साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे मैनी की, उसने इस्तेमाल किया मैनी का भी, मैनी के साथ में हम लोग हमेशा प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैनी गर्ल्स
वर, देख रहे आप प्लूरल नाउन प्लूरल बॉय, मैनी बॉयज हैव प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, मैनी स्टूडेंट्स वर प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। बच्चों यहाँ पे याद रखें मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है, मैनी चाहे खुद किसी भी रूप में हो, खाली मैनी कहो तब भी, अ गुड मैनी कहोगे तब भी, कई बार बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं अ को देख करके, अ ग्रेट मैनी कहेंगे तब भी, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि बाद में मैनी आ रहा है वो पहले हैं, इसलिए मैनी को देखते हैं प्लूरल नाउन। जैसे कि एक एग्जांपल अ गुड मैनी से हो जाए, मैंने कहा अ गुड मैनी स्टूडेंट्स, अ गुड मैनी स्टूडेंट्स हैव डन द वर्क, हैव डन द वर्क। तो बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट को देखते हुए हमने लगाया हैव साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या यहाँ पे अ गुड मैनी स्टूडेंट्स हैव डन द वर्क का इस्तेमाल हमने किया है, सेंटेंस हो गया हमारा यहाँ पे करेक्ट। यस गाइस, आगे देखिएगा यहाँ पे मैनी के बाद अगर आपका आर्टिकल लगा हो ए या एन, क्या लगा हो आर्टिकल ए या एन, तब सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए अगर मैनी के बाद डायरेक्ट आपका आ रहा है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मैनी के बाद आर्टिकल आपका आ रहा है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का आप इस्तेमाल करेंगे। सो क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा मैनी अ गर्ल, मैनी अ गर्ल हैज डन द वर्क, हैज डन द वर्क। आपने कहा मैनी अ स्टूडेंट, मैनी अ स्टूडेंट इज, तो बच्चों सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का आप यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। इस बात को खूब अच्छे से याद रखें बच्चों। रूल नंबर जरा नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। रूल नंबर नेक्स्ट में वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी है, कह रहा है कि ईच एवरी वन के बाद अगर ऑफ होगा तो ऑफ के बाद जो नाउन होगा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब आपकी ईच एवरी वन के हिसाब से आएगी। ये बात मैं आपको ईच एवरी वन के लिए नहीं सभी के लिए बता चुका हूँ, जब भी किसी भी नाउन के बाद में आपका ऑफ होगा आप उसे कट करते हुए आगे बढ़ेंगे, वर्ब आपकी पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। यस गाइस, यहाँ पर बच्चों एक चीज़ का और ध्यान रखें, यहाँ पे उसने एक बहुत छोटी सी बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये मुझे अच्छा लगा इसका। कह रहा है कि अगर नाउन के बाद या फिर प्रोनाउन के बाद ईच हो, जैसे कि उसने कहा वी ईच, तब आपको प्लूरल वर्ब लगानी है वी के हिसाब से। ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका वी है नॉट ईच। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा एक बात बच्चों को बोलता हूँ अपने बैच में, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सब्जेक्ट ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी नाटक का मेन हीरो, किसी फिल्म की मेन हीरोइन, ऐसे समझ लीजिएगा। तो बच्चों जो ऐसा होगा हीरो उसी के साथ होगी आपकी हीरोइन, याद रखिए आप ध्यान से। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है वी, वी के हिसाब से होगी वर्ब वी ईच हैव। बच्चों यहाँ पे ई वी के हिसाब से हमें वर्ब लगानी है नॉट अप ईच के हिसाब से, क्योंकि ईच अब यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। अगर यहाँ पे ईच के बाद में होता ईच स्टूडेंट, तब आप ईच के हिसाब से लगाते क्योंकि अब मायने रखता है ईच आपका प्रत्येक स्टूडेंट। यस गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे सेंटेंस में आपका पोर्शन ठीक है। एक चीज़ दूसरों यहाँ पे उसने और इम्पोर्टेंट रखी, वो बड़ी प्यारी लगी मुझे, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों ध्यान से, जितने भी हमारे हैं आपके पास ईच एवरी आइदर नाइदर नन एनी वन एनी बडी नो बडी सम बडी जितने भी हैं, अगर आपको इनके साथ पजेसिव लगाना पड़े तो आप इनके लिए या तो हिज लगाएंगे या फिर हर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हिज या हर। जैसे कि मैंने कहा ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, बॉय को देखते हुए मैंने हिज का इस्तेमाल किया। अगर यहां पे गर्ल होता ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डन हर वर्क, तब मैं हर लगाने वाला था क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ईच एवरी आइदर नाइदर नन एनी वन सम वन एनी बडी नो बडी सम बडी सभी के साथ में पजेसिव केस हम लोग हिज या हर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपका सब्जेक्ट हो वन, तो वन के लिए पजेसिव केस हम लोग हमेशा वंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपने कहा वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, बच्चों वन के साथ हमेशा पजेसिव केस हमारा
वंश रहेगा, यहाँ वन के साथ में आने वाला हमारा पजेसिव चेंज नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखें। तो बच्चों यहाँ पे एक ही रूल को उसने पूरे अच्छे से विस्तार करके पढ़ाया है, तो क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खूब अच्छी चीज़ें रूल्स के साथ में। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा। यस, कह रहा है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनी वन, एनी बडी, नो बडी, समबडी के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनके बाद में ऑफ लगा हो तो प्लुरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यदि इनके साथ में आपको पजेसिव केस लगाना हो तो आप इनके साथ में हिज या हर का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वन को छोड़ करके वन के साथ में वन का इस्तेमाल करते हैं। मैनी के साथ में हमेशा प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मैनी के बाद अगर आर्टिकल हो ए या एन तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज यहाँ कुछ इस तरह से आपको वोकैबुलरी के साथ साथ ग्रामर पढ़ाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोपहर में मैंने वोकैबुलरी की वीडियो अपलोड की है और अब ग्रामर की वीडियो। अभी बच्चों देखिए आगे रूल, एक लास्ट रूल मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, रूल नंबर 16 आज का मेरा है, रूल नंबर 16 कह रहा है कि काल्पनिक वाक्य। काल्पनिक वाक्य मतलब बच्चों कैसे वाक्य, ध्यान दीजिएगा, जब कोई ऐसी इच्छा, जब कोई ऐसी इच्छा जो ना तो पूरी हुई और ना ही पूरी होगी, जो ना तो पूरी हुई और ना ही पूरी होगी। लाइक मैं सोचने लगूं कि अगर मैं निक जोन्स होता तो आज मेरी शादी प्रियंका चोपड़ा से होती, तो गाइस ना तो मैं निक जोन्स हूं और ना ही मेरी शादी अब प्रियंका चोपड़ा से होने वाली है। बच्चों ये बात मैंने स्टूडियो में बैठ के बोल दी, कमरे में बैठ के ये बात मैं नहीं बोल सकता था। चले जी, काश मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ सकता था। तो बच्चों ना तो मैं चिड़िया हूँ और ना ही मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो आज मैं हर रोज़ 2 लाख रोजगार निकालता। ना तो मैं प्रधानमंत्री हूँ और ना ही मैं 2 लाख रोजगार डेली निकाल सकता हूँ। बच्चों जब कोई ऐसी इच्छा जो ना तो पूरी हुई और ना ही पूरी होगी, जैसे कि उसने कहा इफ़, या फिर उसने कहा एज इफ़, या उसने कहा एज दो, या फिर उसने कहा सपोज, जो भी बच्चों ने रखा, ऐसी कंडीशन में सबके साथ में आप लोग वर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बच्चों बच के रहना, यहाँ पे बुक के हिसाब से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप पक्का फंसने वाले हैं। वर का इस्तेमाल आप तब तक ही करेंगे जब आने वाला सब्जेक्ट आपका उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन हो। अगर बाद में वर्ब आ जाए तब आप वर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब आप अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वोज या वर का इस्तेमाल करेंगे, ये बात ध्यान रखें बच्चों। यस, तो यहाँ पे क्लियरली आप एक चीज़ को ध्यान दें, मैंने कहा इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, यदि मैं चिड़िया होता, देखिए ना तो मैं चिड़िया हूँ और ना मैं अब चिड़िया बन सकता। सो गाइज मैंने इफ के साथ में सब्जेक्ट लगाया और वर्ड लगाया, सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो आपको सब के साथ अब वर का ही इस्तेमाल करना है। इफ शी वर प्रियंका चोपड़ा, यदि वह प्रियंका चोपड़ा होती, क्या होती, प्रियंका चोपड़ा होती, शी टॉक्स एज इफ शी वर द क्वीन ऑफ समवेयर, वह ऐसे बात करती है जैसे कि कहीं की महारानी हो, जैसे कि कहीं की महारानी हो। तो बच्चों आपने इस्तेमाल किया वर का, किसका इस्तेमाल किया, वर का। कई बार आपको चढ़ाने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने के लिए कुछ लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यदि मैं तेरी जगह होता तो मैं जॉब छोड़ देता, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं जॉब छोड़ देता। तो बच्चों यदि मैं आपकी जगह होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इसके लिए बच्चों बनाएंगे हम लोग इफ आई वर यू, बस यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू, यानी कि यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम होता, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू। तो गाइज ये हैं कुछ शानदार रूल आज के इस नोट से, इससे आगे का मैंने प्रिंट नहीं लिया है क्योंकि मुझे सिर्फ 6 रूल ही आपको क्लियर करके बताने थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 6 रूल समझ में आए होंगे। तो गाइज फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के रूल्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।